नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। आज पटौदी राजकीय मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता मौजूद रहे। विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने 7 व्यायाम शालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आइए सुनते हैं विधायक पटौदी सत्य प्रकाश जरावता ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा। और नई प्रेरणा के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर राष्ट्रीयता का संदेश, सेहत को, शरीर को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विश्व गुरु का, उस सपने को पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से जिस प्रकार कर रही है, उसमें हमारा पटौदी मंडल, हमारे योग के शिक्षक, योग के आचार्य, हमारे डॉक्टर साहिब और बेहतरीन तरीके से जितना आपके लिए इस कम समय में मात्र 40 मिनट में शायद ही कोई ऐसा पहलू ना हो जिसको छुआ ना हो। पूरे वास्तव में माननीय मोदी जी का जो सपना है और जो उन्होंने कहा है कि हम देश के अंदर सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम समाज और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए भी काम करते हैं। बहुत पहले जब कोरोना का समय आया तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ योग की चर्चा होने लगी। एकमात्र इलाज बचा था जो हमारे देश में हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने तमाम ग्रंथों में जगह जगह पर अपने अपने अनुभव, अपने अपने शरीर को तपाकर जिस तरह से इन सारी बीमारियों को दूर करने का जो काम योग के माध्यम से कोरोना में किया, खाली कोरोना में कोरोना ही ठीक नहीं हुआ, तमाम जो अन्य बीमारियां थी योग के माध्यम से उसे भी हमें निजात मिली। तो मैं आज सिर्फ एक कार्यक्रम और आपका पंचायत विभाग का था, हमारे जिले में 9 पार्क का व्यायामशालाएं अभी बनी है, तैयार हो रही है, कुछ पहले तैयार है, और जिले में 7 हमारे पटौदी विधानसभा में आज उनकी ताकि जो करना हो गांव के अंदर सुबह योग करने के लिए आपको जगह तलाश ना करनी पड़े, आप पार्क व्यायामशाला में प्रतिदिन जाकर योगा कर सकते हैं। खाली शहर में आप पार्क नहीं होंगे, और इसलिए हमारा प्रयास है कि आने वाले 2 महीने के अंदर ही करीब इतनी व्यायामशाला पटौदी में और खोलने का इरादा है। जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पंचायत है हमें कहती है कि हमें योग के लिए, हमें व्यायामशाला के लिए, हमें पार्क चाहिए, तो और जगह उपलब्ध कराते हैं तो हम हर जगह इस तरह की ताकि हमारे जो युवा है, बुजुर्ग है, अपने खेल के साथ साथ योग भी कर सके और अपनी दिनचर्या को बेहतरीन बना सके। मैं पूरे आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मानसिक रूप से तैयार नहीं था।